हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जावा एंड जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंसेस। अगर आप सोचते होंगे जावा एंड जावा स्क्रिप्ट सिमिलर है तो आप रॉन्ग है। जावा और जावा स्क्रिप्ट में मेजर डिफरेंसेस है जो मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आप कम्प्लीटली समझ सकते हैं जावा एंड जावा स्क्रिप्ट का डिफरेंसेज और जावा किस केस में उपयोग होता है एंड जावा स्क्रिप्ट किस केस में उपयोग होता है। तो सबसे पहले जान ले लेते हैं कि जावा एंड जावा स्क्रिप्ट मेन कहाँ पे उपयोग होता है। तो जावा बेसिकली नेटिव एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए ही उपयोग होता है, मेन इसका यही काम है। और जावा स्क्रिप्ट का मेन काम है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, मीन जो आप वेबसाइट देखते हैं उसका लुकिंग देखते हैं, उसका किस टाइप का बिहेवियर होता है उसी को कंट्रोल करते हैं जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से। ये एक आपका मेन डिफरेंसेज हो सकता है। और दूसरा डिफरेंसेज फॉर्मेट का हो सकता है, मीन्स जावा का फॉर्मेट होगा कोई भी नाम उसके साथ आप डॉट जावा लगाएंगे और जावा स्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन होगा उसमें डॉट js लगाएंगे। और जो अगला डिफरेंसेज है वह है जावा में अगर आप कोड लिखते हैं तो उसको आप रन करने के लिए आपको जावा वर्चुअल मशीन की आवश्यकता होगी, मीन्स JDK वर्चुअल मशीन की आपको ज़रूरत होगी। बट वही जावा स्क्रिप्ट का कोड अगर आप देखना चाहते हैं तो कोई भी ब्राउज़र में आप देख सकते हैं। और जो तीसरा डिफरेंसेज है वो है सिक्योरिटी के लेकर, जावा बेटर सिक्योरिटी आपको देगा, कम कोड करेंगे इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। बट जावा स्क्रिप्ट में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और कोड को इनहेंस करने के बाद आप उसको सिक्योरिटी दे सकते हैं। और जो अगला डिफरेंसेज है, जावा में आप स्टैटिक टाइप का प्रोग्राम बना सकते हैं और वही जावा स्क्रिप्ट में आप डायनेमिक टाइप का प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट पे वीडियो बनाना तो मैं उस पर भी कोशिश करूँगा कि वीडियो मैं बना पाऊँ। और जो अगला डिफरेंसेज है वो है सिंटैक्स को लेकर, मीन्स जावा में C++ सिमिलर ही सिंटैक्स होता है बट जावा स्क्रिप्ट में जो है सी लैंग्वेज के सिमिलर ही सिंटैक्स इसका रहता है। और जावा के लिए रिक्वायर है जावा डेवलपमेंट किट, मीन्स JDK आपको सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तभी आप इसका कोड उसमें राइट कर सकते हैं। बट जावा स्क्रिप्ट का कोड राइट करने के लिए एनी टेक्स्ट एडिटर, मीन्स कोई भी टेक्स्ट एडिटर आपके पास है तो उसी में ही आप जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग कर सकते हैं। और जो अगला डिफरेंसेज है वो है जावा या जावा स्क्रिप्ट के सोर्स कोड को लेकर, जावा में जो सोर्स कोड होता है उसमें बहुत सारा हिडन पार्ट होता है, उसको आप उतना रीडेबिलिटी उसमें नहीं होता है कि आप उस कोड को देखकर पढ़ सकें। बट जावा स्क्रिप्ट में आप उसको देखकर बता सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, जावा एंड जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारा डिफरेंसेज है बट ये छोटा सा डिफरेंसेज मैं बता पाया जिससे आप समझ सकते हैं कि जावा एंड जावा स्क्रिप्ट में कितना सारा डिफरेंसेज है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।